तो जैसा कि आपके पास डिटरमिनेंट दिया गया है, आपको क्या निकालना है, माइनर और कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो क्या करेंगे, लेट एम आई जे एंड ए आई जे बी द माइनर एंड कोफैक्टर रिस्पेक्टिवली, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, ठीक है, रिस्पेक्टिवली क्या हो जाएगा। अब एम वन वन निकालना है, तो एम वन वन मतलब दैट इज द माइनर ऑफ स्मॉल ए वन वन, ठीक है, इस एलिमेंट का माइनर। तो इस एलिमेंट का माइनर उस वन रो को एलिमिनेट कर दीजिए, पहले कॉलम को एलिमिनेट कर दीजिए। तो पहले रो और पहले कॉलम को एलिमिनेट कर दोगे आप, तो क्या बचेगा आपके पास, फाइव वन और माइनस वन टू। अब ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लीजिए, टू बाई टू के डिटर्मिनेंट है, क्या हो जाएगा, फाइव टू जै टेन और टेन और माइनस इसका प्रोडक्ट माइनस वन आ रहा है, कितना जाएगा आपका, इलेवन आ जाएगा, माइनस वन प्लस हो जाएगा, टेन प्लस वन एलेवन आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से एम वन टू कितना हो जाएगा, पहला रो एलिमिनेट कर दीजिए और दूसरा कॉलम, तो पहला रो और दूसरा कॉलम थ्री जीरो और माइनस वन टू, थ्री जीरो माइनस वन और टू कितना हो जाएगा, थ्री टू जा सिक्स और सिक्स माइनस ज़ीरो सिक्स आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एम वन थ्री दैट इज पहली रो तीसरा कॉलम जाएगा एलिमिनेट होगा, तो थ्री जीरो और फाइव वन कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। इसी तरह से आपका एम टू वन दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो गायब पहला कॉलम गायब, जीरो वन फोर टू, जीरो वन फोर टू क्या हो जाएगा आपका, जीरो माइनस फोर, तो ये माइनस फोर आएगा। सिमिलरली एम टू टू क्या हो जाएगा, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, वन जीरो फोर टू दैट कम्स आउट टू बी टू माइनस जीरो, टू आ गया, ठीक है। इसी तरह से क्या निकालेंगे, एम टू थ्री, एम टू थ्री के लिए क्या हो जाएगा आपका, दूसरा दूसरा रो और तीसरा कॉलम एलिमिनेट कर दोगे, तो क्या बचेगा आपके पास, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो वन जीरो और जीरो वन, तो दैट कम्स आउट टू बी वन इंटू वन वन हो गया, माइनस जीरो वन हो गया। इसी तरह से एम थ्री वन तीसरा रो और पहला कॉलम, तो तीसरा रो अगर आप एलिमिनेट करते हो पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा जीरो फाइव और फोर माइनस वन, तो ये आ जाएगा जीरो और माइनस ट्वेंटी, तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का ट्वेंटी। सिमिलरली एम थ्री टू क्या हो जाएगा, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तो वन थ्री और फोर माइनस वन, ये आ जाएगा माइनस वन और माइनस ट्वेल्व, तो माइनस थर्टीन हो जाएगा, ठीक है। एम थ्री थ्री कितने आ जाएंगे, ये क्या आ जाएगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो वन थ्री और जीरो फाइव, ये आ जाएगा फाइव माइनस जीरो फाइव आ जाएगा, ठीक है। अब रही बात कोफैक्टर की, क्या रिलेशन होता है, जो कोफैक्टर होता है आपका ए आई जे, ठीक है, जो ए आई जे होता है दैट इज माइनस वन टू द पावर आई प्लस जे टाइम्स एम आई जे होता है, ठीक है। मतलब कोफैक्टर और जो कोफैक्टर है माइनर, ये हमेशा इक्वल होंगे, लेकिन उस केस में जब आई प्लस जे इवन आएगा, है ना, तब माइनस वन की पावर इवन प्लस वन हो जाएगा, अदरवाइज वो माइनस टाइम्स डिफर करेंगे। देखिए माइनस वन की पावर आड आएगा तो ये माइनस टाइम्स डिफर करेगा। तो क्या कह सकते हो आप, इसका मतलब जो ए वन वन है, वन प्लस वन आपका इवन है, मतलब एम वन वन इक्वल होगा, ठीक है। तो लिख दे रहे हैं माइनस वन टू द पावर वन प्लस वन एम वन वन, और ये आ जाएगा एम वन वन आपका कितना है, दैट इज इलेवन। इसी तरह से ए वन टू माइनस वन की पावर वन प्लस टू इवन ऑड आ गया, तो ये माइनस से डिफर कर जाएगा एम वन टू से, दैट इज माइनस सिक्स। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ए वन थ्री, तो माइनस वन की पावर वन प्लस थ्री इवन है, तो इस केस में बराबर हो जाएंगे माइनर और कोफैक्टर। माइनर कितना था आपका, माइनर था वन थ्री
थ्री था, तो आपका को फैक्टर भी थ्री हो जाएगा। इसी तरह से ए टू वन माइनस वन की पावर वन प्लस टू थ्री हो जाएगा, इस पर डिफर करेगा माइनस टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका माइनस वन था आपका, माइनस फोर था, सॉरी माइनस फोर था, अब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा फोर। फिर आपका क्या हो जाएगा ए टू टू, तो ए टू टू आ जाएगा, दैट इज माइनस वन टू द पावर वन प्लस टू टाइम्स एम टू टू। एम टू टू कितना है, मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, अच्छा टू प्लस टू है मतलब इवन हो गया, तो माइनर और कोफैक्टर बराबर होंगे, माइनर आपका टू था तो कोफैक्टर भी आपका टू हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पे ए टू थ्री, तो ए टू थ्री आपका हो जाएगा माइनस वन की पावर टू प्लस थ्री, माइनस वन की पावर टू प्लस थ्री ऑड हुआ फाइव है ना, मतलब इस केस में माइनस से डिफर करेगा कोफैक्टर, तो ये आपका माइनस वन हो जाएगा। इसी तरह से ए थ्री वन, माइनस वन की पावर थ्री प्लस वन इवन है, दोनों बराबर होंगे, मतलब ये भी माइनस ट्वेंटी होगा, माइनर भी माइनस ट्वेंटी था। इसी तरह से ए थ्री टू, इस केस में माइनस वन की पावर थ्री प्लस टू ऑड हो जाएगा, माइनस से डिफर करेगा, माइनस पहले से थर्टीन था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये थर्टीन हो जाएगा। फिर ए थ्री थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स होता है, इवन है तो डिफर नहीं करेगा, बराबर होंगे, तो क्या हो जाएगा ये भी माइनर के बराबर फाइव, दैट इज़ योर फाइनल आंसर।